तो फ्रेंड्स आपने नोट छापने वाली मशीन देखी है, ये मशीन है नोट छापने वाली, घर बैठे नोट छाप के देगी। पर डे के 10,000, 20,000, 50,000 कमाना चाहते हैं तो लगा लो ये मशीन, घर बैठे ही आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। ये जो मशीन है लाखों आइटम बनाती है, अगर एक आइटम भी बनाकर आप अपने मार्केट में सेल करते हैं तो लाखों रुपए महीने के आप घर बैठे कमाने लगेंगे। इस मशीन को लगाने के बाद हर कस्टमर आपको ढूंढता फिरेगा अपना काम करवाने के लिए। आम आदमी तो क्या, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री वाले हर इंसान आपका कस्टमर होगा। ये वो मशीनें हैं कि एक का बनाओगे 5 में बेचोगे, 5 का बनाओगे 100 रुपए, 200 रुपए में आप घर बैठे बेचोगे, नगद में आपकी कमाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौन। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में जो मशीन मैं आपको दिखाऊंगी वो आप देखोगे पहली बार, फर्स्ट टाइम मशीन देखोगे, जबरदस्त कमाल की मशीन है, घर बैठे ही आप लाखों रुपए कमाओगे, नोट छापने वाली मशीन है, नोट गिनते गिनते थक जाओगे। तो मैं सर से मिलवाती हूँ और जानती हैं उस बिजनेस के बारे में। तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद सर। मैं आपका नाम और सर आप अपनी कंपनी का नाम बताएं। जी, मेरा नाम शैलेंद्र गर्ग है, हमारी कंपनी का नाम बेस्ट सर्विसेज है और दिल्ली में ये स्थित है। तो सर आप बताएं इस मशीन के बारे में। जी देखिए, जो हम ये लेकर आए हैं यूवी प्रिंटर। पहले भी हमने आपके चैनल पे यूवी प्रिंटर दिखाया था, वो सिंगल हेड था, ये डबल हेड है, उसका बैड थोड़ा छोटा था, इसका बैड थोड़ा बड़ा है। अच्छा। और ये ऐसी मशीन है, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की हमने ये निकाली है। जो पहले हमने वर्जन लॉन्च किया था उसका लेटेस्ट वर्जन ये है। और यूवी प्रिंटर आज की डेट में बहुत ज्यादा हाईली डिमांड है। यूवी प्रिंटर क्या करता है, ये हर चीज पे प्रिंट कर सकता है, चाहे आपकी बॉटल है, चाहे आपका ग्लास है, मग है, चाहे एक्रेलिक है, मेटल है, कागज है, किसी भी चीज पे ये प्रिंट कर सकता है। यानी एक ही मशीन से सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। जी, और जो प्रिंट करता है वो नॉर्मल प्रिंट नहीं करता, वो एम्बोस प्रिंट करता है, जो हम हाथ लगाते हैं उभरा हुआ महसूस होता है, वो एम्बोस प्रिंटिंग ये करता है। और सबसे बड़ी खासियत ये, इसकी प्रिंटिंग की जो लाइफ होती है बहुत लंबी लाइफ होती है, कि नॉर्मल जैसे प्रिंटिंग होती है उखड़ जाती है, धूप में फेड हो जाती है, या नाखून मारने से खुरच जाती है, तो ये प्रिंटिंग एक ऐसी होती है, परमानेंट प्रिंटिंग होती है, कि कहीं पे भी आप कर लें वो परमानेंट हो गई, वो उखड़ेगी ही नहीं। तो सर इसको कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, किस किस के यूज का है वैसे ये? देखिए, इसमें आप आई कार्ड का काम लोग करते हैं वो ले जाते हैं, मेमोरी कार्ड पे प्रिंट करना है वो ले जाते हैं, जैसे किसी मेटल पे प्रिंट करना है, गिफ्टिंग आइटम बनानी है वो लोग ले जाते हैं, एक्रेलिक पे, एमडीएफ पे प्रिंट करने के लिए ले जाते हैं जी। और पेपर पे अगर आप करना चाहें, मोबाइल की बैक स्क्रीन वगैरह जो बनती है, वो मोबाइल की बैक स्क्रीन वगैरह बनाना चाहें वो इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, मोबाइल के जो बैक कवर होते हैं उन पर आप प्रिंट कर सकते हैं, और तो और आप इसमें स्टिकर्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट है आपका, जैसे हमारी मशीनें पीछे लगी हुई है बड़ी बड़ी, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं इन पे कैसे, इनको तो उठा के यहाँ रख नहीं सकते, नहीं रख सकते, तो इसके लिए स्टिकर्स प्रिंट हो जाते हैं। अच्छा। यूवी स्टिकर्स कहते हैं, डीटीएफ स्टिकर्स, तो वो स्टिकर्स प्रिंट हो जाते हैं और वो हम अपने मशीन पे लगा देते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्टिकर यहाँ पे भी लगा हुआ है और ये इजीली उखड़ता नहीं है। तो सर मैंने भी देखा था फ्रेंड्स, मैंने भी देखा था कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इसको आप उखाड़ते उखाड़ते थक जाएंगे, ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि और भी आपने प्रिंटर देखे होंगे, उनको आप खुद ट्राई करके देखें कि वो तुरंत आप ऐसे हाथ नाखून लगाएंगे उखड़ जाएंगे। इसको आप जब यहाँ आएंगे तो इसको कोशिश करें, ये नहीं उखड़ेगा। ये होती है कि क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका बिजनेस जल्दी सक्सेस हो जाएगा। तो सर इसमें घरेलू बिजली पर चलेगी या थ्री फेज मीटर लगाना पड़ेगा? नहीं, ये सिंगल फेज मीटर पर चलती है। अच्छा। और बिजली भी ये बहुत कम लेती है, सिर्फ 500 वाट की मशीन है, कहीं पे भी आप नॉर्मल पावर पे नॉर्मल पे लगा सकते हैं। तो सर देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है, ऐसी लग रही है कि थ्री फेज मीटर ही लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, सिंगल फेज पे चलेगी, प्रेस से भी कम बिजली लेती है। जी क्या बात है फ्रेंड्स, घर में आप प्रेस करते हो तो प्रेस से भी कम इसमें लाइट आपकी खपत कम होगी। और एक एरिया आप देख सकते हैं 10x10 का अगर छोटा सा रूम है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो घर में रह के बिजनेस करना चाहते हैं कि तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, वो घर के काम से फ्री होने के बाद और इस पर अगर घंटे या 2 घंटे भी काम कर लेंगे तो भी घर बैठे अपनी इनकम शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे फेस्टिवल सीजन वगैरह होते हैं, जैसे राखी है, दिवाली है और ऐसे होली है, इस टाइप के फेस्टिवल होते हैं, उसमें आप स्टिकर वगैरह जो है वो प्रिंट करके घर बैठे ही उन आइटमों को सेल कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज वगैरह होते हैं, स्टिकर होते हैं और आई कार्ड वगैरह होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इससे प्रिंट कर सकते हैं। और सर क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं?
क्या नहीं प्रिंट कर सकते वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं वो बताना मुश्किल है, क्योंकि इससे तो ऐसा लग रही है हजारों आइटम इसी एक ही मशीन से प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ये जो माइक यहाँ पे लगा हुआ है जी, ये वाली जो प्रिंटिंग है ये भी आप इससे कर सकते हैं, स्टिकर बन के लग जाएगा, ये वाला स्टिकर लगा दिया, दैट्स इट। अच्छा सर, ये वाली प्रिंट भी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो प्रिंट है सर इसी से होकर आई होगी, इसी मशीनों से? बिल्कुल, हो सकता है कि ये यूवी स्टिकर, क्योंकि इस पे भी कितना भी खुर्चो ये निकलेगा नहीं। हाँ। ये प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो सर इंक वगैरह जो है वो फिर कहाँ से मिलेगी? इंक वगैरह इसका जो भी रॉ मटेरियल है, इंक है, सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है। बस सर इसमें मेरे ख्याल से इंक वगैरह ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इंक की बहुत क्वालिटी आती है। हाँ। मार्केट में लोग सोचते हैं क्या यहाँ से सिर्फ 2000 रुपए लीटर मिल रही है, 2200 रुपए लीटर मिल रही है तो वहाँ ले लेते हैं, वो 3500 रुपए लीटर मिल रही है तो वो इंक महंगी है। तो दोस्तों क्या होता है, इंक जितनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ज्यादा चमक उसकी लाइफ ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमने कमांड दी है, गणेश जी की फोटो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो सर इसमें जो इंक वगैरह है वो कितनी इंक वगैरह लगती है और किस टाइप का पेपर लगाया जाता है? पेपर तो आप कोई भी लगा सकते हैं, पेपर, एक्रेलिक, एमडीएफ, मेटल, प्लास्टिक, किसी पे भी प्रिंट कर सकते हैं। जो इंक की जो प्राइस लगता है, आपने मान के चलिए एक स्क्वायर फीट यानी कि एक मीटर का जो स्क्वायर है उसमें लगभग 35 रुपए की इंक लगती है सर। अगर स्क्वायर फीट के मामले में आया जाए तो 3 रुपए से 4 रुपए स्क्वायर फीट की इंक लगती है सिर्फ, यानी इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट 3 से 4 रुपए या 5 रुपए तक ही आएगी। जी बिल्कुल, जैसे आप ये मान के चले जो नॉर्मल इको सॉल्वेंट सबसे सस्ता प्रिंटर कहलाता है उससे डबल कॉस्टिंग हो जाती है इंक की, बस बाकी उसकी आती है 2 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, इसकी आती है 4 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, और इसकी जो क्वालिटी है वो तो खैर है ही लाजवाब जी। तो सर इसमें कितना टाइम लगता होगा वैसे, एक जैसे आप जैसे गणेश जी प्रिंट हो रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? ये लगभग 4 से 5 मिनट में एक पूरी शीट निकाल देगा। दो हेड लगे हुए हैं इसमें, डबल हेड ही हमारा प्रिंटर है, तो 12 चैनल है। आप देखेंगे जो 12 डबिया नजर आ रही है, 12 चैनल कहते हैं, 12 चैनल से इंक इसके अंदर जा रही है। सर इसकी स्पीड कितनी है? जो हमने पहले एक मशीन का वीडियो बनाया था जी, तो उससे इसकी कम है के ज्यादा है? उससे डबल स्पीड है, क्योंकि उसमें एक डबल है, उसमें एक हेड लगा हुआ था, इसमें 2 लगे हुए हैं। और उसमें क्या होता था, पहले हम व्हाइट करते थे, फिर CMYK करते थे, और दोबारा कमांड देने पे उसमें हम वार्निश करते थे। इसमें एक ही कमांड पे तीनों चीजें इकट्ठी ही हो जाएंगी। तो सर इसमें कितने कलर की इंक लगा सकते हैं? टोटल 6 इंक लगती हैं, CMYK 4 कलर, एक वाइट होता है जो वाइट बेस बनाता है या उसको एम्बोस करने के काम आता है, एक वार्निश होती है जो उसको बिल्कुल वार्निश, जैसे आपने दरवाजों पे देखा होगा वार्निश हो जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं उसको होता, तो इसी टाइप की एक वार्निश होती है इसके लिए। तो ये टोटल 6 टाइप की इंक इसमें लगती है। तो सर इसमें जैसे बोतल वगैरह है, सिपर वगैरह है, ये सारी चीजें भी प्रिंट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, बॉटल प्रिंट हो जाएंगी, मग प्रिंट हो जाएंगे, कोई भी राउंड सरफेस चीज प्रिंट हो जाएंगी। लोग जनरली जो कड़े होते हैं, कड़े का काम करते हैं, तो कड़े पे प्रिंटिंग हो जाएगी। तो सर उसमें कुछ इसमें अलग से कुछ लगाना पड़ेगा क्या? हाँ जी, एक रोटरी होती है, यहाँ पे रोटरी रखी हुई है, आप देख सकते हैं, ये रोटरी होती है, इस रोटरी पे हम कोई भी बॉटल या कुछ रख के यहाँ पे रख देते हैं और वो इस तरीके से घूम के प्रिंट कर देती है। तो सर जैसे कि कितने इंच तक का प्रिंट कर सकते हैं? जैसे लकड़ी का ही जैसे मोटा कोई गट्टा है इतना मोटा, तो कितने इंच तक का प्रिंट का हो जाएगा? ये आप देख सकते हैं लगभग 8 से 9 इंच। हाँ। लगभग 8 से 9 इंच मोटाई का आइटम ये कर सकता है। और अगर साइज की बात करें तो इसका जो साइज है 13 इंच बाय 24 इंच इसका बेड साइज है, तो इतना बड़ा पीस रख के आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई भी भाई लोग बाहर से आते हैं तो हमारे हम रहने की भी व्यवस्था उनकी करते हैं, कम्प्लीट ट्रेनिंग भी देते हैं, 2 दिन 3 दिन यहाँ पे आए, सारी यहाँ पे ट्रेनिंग लें, कंप्लीट ट्रेनिंग फ्री है, अपने यहाँ सैंपल्स बना सकते हैं, वो आके देख सकते हैं कि क्या चीज़ उनको लेनी है नहीं लेनी, तो आने से पहले वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद इसको बाय करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा सर, हम प्रिंटर बेचते नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सर इसके साथ में कोई कंप्यूटर वगैरह भी लगाना पड़ेगा ना? हाँ जी, कंप्यूटर से कमांड देते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर आप लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मोबाइल कवर पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, और ये मोबाइल कवर पे स्टिकर लगा सकते हैं, स्टिकरिंग भी लग जाती है, ये डायरेक्ट प्रिंटिंग भी हो रखी है। ये देखिए सर यहाँ पे प्रिंटिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब आप देखिए प्रिंटिंग की कमाल, फ्रेंड्स देख सकते हैं गणेश जी, गणेश बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर सारे ही कलर आप इसमें देखें बिल्कुल उभर कर आ रहे हैं, रेड कलर बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है,
प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें सबसे ज्यादा खेल है इंक का। इंक अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपकी पिक्चर बहुत ज्यादा सुंदर निकलेगी। जैसे आप ये देख रहे हैं गोल्डन शीट है, दानेदार गोल्डन शीट है, इसके ऊपर कोई प्रिंटर काम नहीं करता, तो ये यूवी पे ही प्रिंट हो सकता है। और जो ऐसी लुक जो खिलकर आई है गोल्डन की, ऐसी लुक जो खिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यूवी प्रिंटर के द्वारा ही आ सकती है। तो सर ये पेपर वगैरह ये सारी चीजें आपके पास से मिलेंगी ना? जी बिल्कुल, सारा पेपर आपको मिल जाएगा हमारे पास से। गोल्डन है, सिल्वर है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पेपर आता है। अब हम एक आपको कॉइन पे, चांदी के कॉइन पे, जैसे अब दिवाली आ रही है तो लोग चाहते हैं कि कि गिफ्ट दें, तो एक कॉइन पे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ प्रिंटिंग। ये देखिए चांदी का प्लेन कॉइन है यहाँ पे हमारे पास। अब हम इस पे प्रिंट करेंगे बोथ साइड और आपको प्रिंट करके दिखाएंगे कैसा लगेगा चांदी का कॉइन। यहाँ पे हमने एक लक्ष्मी गणेश की इमेज ले ली है। अब हम इसको सिक्के पे, कॉइन पे प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक चांदी का सिक्का रख दिया है। अब हम इसको कमांड दे देते हैं और अभी इस पे प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं टाइमर भी ऑन कर देता हूँ। चलिए देखते हैं कितने टाइम में ये प्रिंट होता है। कंप्लीट हो गई है प्रिंटिंग, लगभग 1 मिनट 10 सेकंड 12 सेकंड के आसपास इसमें टाइम लगा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप ही के सामने प्रिंट हुआ है। देखो प्रिंटिंग क्वालिटी जबरदस्त आई है और यहाँ पीछे से अभी प्लेन है। अभी यहाँ पे भी आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा है गिफ्ट वगैरह देने के लिए। इस टाइप से आप अपने ब्रांड के नाम का भी प्रिंट करके और सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मशीन को लगाकर बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, स्कूल कॉलेज होती हैं, तो उन लोगों से आप कांटेक्ट कर लें तो वो लोग काम देंगे आपको अपने ब्रांड के नाम का प्रिंट करवाने के लिए। ज़बरदस्त मशीन है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं टाइम भी नहीं लगा। सर इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या जाने वाली है कॉइन की? कॉइन की तो मेरे ख्याल से 20 पैसे 30 पैसे से ऊपर नहीं जाएगी। बस 50 पैसे मान लो, 1 रुपये मान लो, और क्या मानोगे। ये देखिए ये हो गई है कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे 1 रुपए इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जाएगी और जब आप इसको सेल करेंगे तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा मिलने वाली है। देख सकते हैं आप प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये चांदी का कॉइन तैयार हो गया। अब मन मर्जी सर जितने में चाहो उतने में सेल कर सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, बस ऐसी ही चीज चाहिए कस्टमर को। कुछ आप अलग से अगर करके दिखाओगे तो ये चीजें ऐसी होती है हैंड टू हैंड सेल होने वाली चीजें होती हैं। जी बिल्कुल, इस प्रिंटिंग के मान के चलिए 400-500 रुपए एक्स्ट्रा आराम से मिल जाएगी। कॉइन पे प्रिंटिंग कोई करता ही नहीं है। कॉइन पे तो सर मैंने भी पहली बार देखा है। तो सर बहुत सारे लोग हैं जो टी शर्ट वगैरह पे प्रिंटिंग करके सेल करते हैं, तो वो भी क्या इसी से प्रिंट हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए एक DTF प्रिंटर आता है, वो अलग होता है। लगभग देखने में ऐसा ही होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो शीट है, इस तरीके की शीट पे प्रिंट किया जाता है जी। ये पहले शीट ली जाती है, उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है और इसको हीट ट्रांसफर की मदद से टी शर्ट पे डाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको टी शर्ट प्रिंटिंग की मिलने वाली है कि किस तरीके से टी शर्ट पे प्रिंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में हमने यहाँ का नंबर भी दिया हुआ है, तो जरूर आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करें। यहाँ पे हमने स्टिकर्स आप देखेंगे, स्टिकर का यहाँ पे एक सेटिंग करी है। अभी हम DTF स्टिकर कैसे बनाते हैं, जैसे ये वाले स्टिकर हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमने कमांड दे दी है और ये स्टिकर का कमांड देने के बाद ही शुरू हो गई है प्रिंटिंग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे प्यारे से स्टिकर बनके तैयार हो गए। इनकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं पड़ती है और आपने देखा होगा फूड सेक्टर की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो खाने पीने के ऐसे आइटम होती हैं उसमें पर डे लाखों से ऐसे स्टिकर उन पैकेटों में डाल डाल के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए सेल करती हैं। तो आप उन कंपनियों से अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ से बल्क में आपको ऑर्डर मिलने वाले हैं। एक मशीन की क्या बात है, आप एक मशीन लगाएंगे तो ऐसी आपको 4-4, 5-5 मशीनें लगानी पड़ जाएंगी, फिर भी आप उनके ऑर्डर पूरे नहीं कर पाओगे। तो सर बता, बहुत सारे प्यारे प्यारे से स्टिकर बनके तैयार हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी इसमें अभी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी ये स्टिकर बने हैं, अभी ये ग्लू शीट है ऊपर, अब इसको हम लैमिनेट करेंगे लैमिनेशन मशीन के द्वारा। ये हमारी लैमिनेशन मशीन है, इसमें हम ये स्टिकर लगा देते हैं। सर इस
इसी के लेमिनेट किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, लेमिनेट कर रहे हैं अब हम इसको। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लेमिनेट हो चुकी है। देखो इस पे एम्बोस प्रिंटिंग जबरदस्त आई है, पूरा देखो ये उभर के आ रहा है। ये हमने एक स्टिकर काट लिया है। ये हम एक स्टिकर यहाँ पे लगा देते हैं। बहुत आसान है, कोई भी इसको लगा सकता है। बस ये लग गया और अब इसका ऊपर का हम, तो बच्चे वगैरह होते हैं सारे बच्चे इसको लगाते हैं, पानी से खराब तो नहीं होगा? देखो पानी से किसी भी चीज से खराब नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग है, उखड़ेगा भी नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, कहीं भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन पर ये लगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज सर ने आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस दिखाया है, तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर भी दिया हुआ है, एड्रेस भी मेंशन कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।